भारत को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस बार देश में ही छुपे गद्दारों को जम के खरी खोटी सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया को अपनी कूटनीति की ताकत दिखाई थी और पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा दिया था। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद भारत में छुपे गद्दार यानी कि भारत विरोधी पीएम मोदी को लेकर बार बार उनकी आलोचनाएं कर रहे थे। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में आए G20 समिट के दौरान भारत के दुश्मन यानी कि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से हाथ मिलाया था। इसके बाद से ही विरोधियों ने मोदी की आलोचना करना शुरू कर दिया था और इन देश विरोधियों की तरफ से कहा गया था कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुश्मनों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। उन हाथों से हाथ मिलाए जा रहे हैं जो भारतीय सैनिकों के खूनों से रंगे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जवानों को चीन से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भारतीय सैनिकों के खूनों से लथपथ हाथों से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इस बार भारत के अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इन्हीं दोगले लोगों को जम के फटकार लगाई है और एस जयशंकर जी ने उसी सिरफिरे अंदाज में इन विरोधियों को फटकार लगाई है जिस अंदाज में अमेरिका को लगाई थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत चीन के बॉर्डर पर एक महाशक्ति की तरह अडिंग है और पीएम मोदी को भारत चीन बॉर्डर पर हमारी सेना की मजबूत तैनाती के आधार पर ही आंकना चाहिए। और दूसरी तरफ चाइना भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और साथ ही साथ भारत का पड़ोसी भी है और भारत चीन से व्यापार भी करता है, लेकिन चीन के साथ हमारा इतिहास एक बहुत बड़े सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है और पीएम मोदी भारत चीन के बॉर्डर को लेकर काफी अलर्ट है और भारतीय सेना को चीन से निपटने के लिए वो सेना को हर खतरनाक हथियार मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जयशंकर जी ने जो बड़ी बात कही थी वो ये थी कि मैं इसके बारे में हर वक्त सार्वजनिक रूप से नहीं कहता और विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए कि दुश्मन को हराने के लिए युद्ध से ज्यादा कूटनीति की जरूरत है और फिलहाल भारत एक आजाद देश है और लोगों को अपनी बात कहने का हक है।